वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरु जी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परसेंटेज क्या होता है और जो डिस्काउंट है वो क्या होता है। अगर कोई भी साड़ी का प्राइस रेट है आपका, प्राइस रेट अगर होगा 99 रुपीज और इसमें डिस्काउंट है 30%, डिस्काउंट 30%, इसका मीन्स है कि इसमें ऑफ है, इस साड़ी का ऑफ है 30%। तो वही साड़ी हमको अगर ख़रीदना है तो हमको कितना पैसा देना पड़ेगा। ओके, चलते हैं देखते हैं कैसे डिस्काउंट को क्लियर कर देता क्या आता है। आपको सिंपली मैं पिछली वीडियो में आपको बताती थी इस परसेंटेज के बारे में कि आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ प्राइस रेट जितना है वही लिख दीजिए, 99 लिख दीजिए इंटू 30%, 30 डिवाइडेड बाय 100, 100। ओके, तो रिजल्ट हमारा हमारा आ जाएगा 99 को 3 रे मल्टीप्लाई, 99 इंटू 3 मल्टीप्लाई करने में हमारा आ जाएगा 297 आ जाएगा डिवाइडेड 100, तो उसका आंसर आ जाएगा 29.7। तो इसका मतलब है जो साड़ी आपका है जिसका प्राइस रेट 99 रुपीज़ है, इसके उस पर डिस्काउंट 29.7 रुपीज़ है, तो वो साड़ी आपको आएगा आपको 99 में सिंपली 29 माइनस कर देना है 0.70। तो अगर वो साड़ी आप खरीदते हो तो उसका आंसर हो जाएगा 70। डाउट क्लियर है आपकी? ओके, चलते हैं और एक बात बताता हूँ मैं। हाँ, इस तरह अगर कोई भी साड़ी आप खरीदते हो उसका प्राइस रेट आपको आपके मोबाइल फ़ोन है, आप मोबाइल फ़ोन में भी कैलकुलेट कर सकते हो, तो कितना आएगा, 585 है, 585 है और उसमें डिस्काउंट है 40%। तो बहुत सारी आपको ख़रीदने में कितना पैसा आएगा, तो आपको क्या करना है, 585 इंटू 40, 100। ओके, ये है डिस्काउंट आपका हो जाएगा 585 पे आप 234 माइनस कर देंगे तो जितना आएगा वो होगा आपका आंसर। ओके, 5 3 351। तो वो साड़ी आपको खरीदने में 351 आएगा।